अल्मोड़ा में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के जिला प्रभारी महेश शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही प्रदेश कांग्रेस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट को हर बूथ तक ले जाकर भाजपा सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखा जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि स्थानीय स्तर पर भी एक चार्जशीट तैयार की जाएगी, ताकि जनता को 2024 का निर्णय लेने में सहूलियत हो। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। से नाता तोड़ो। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि हम राहुल जी के जो भारत जोड़ो का संदेश है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो इस देश के लोगों से आग्रह है, और इस सरकार के खिलाफ हमारी जो राष्ट्रीय चार्जशीट है, हमने राज्य की चार्जशीट का ऋण मेहरा जी के अध्यक्षता में बनाई उसको, और अब हम प्रदीप जी और इन सब की देखरेख में, मनोज गोविंद सिंह कुंजवाल जी आदि सब की देखरेख में एक स्थानीय लोकसभा क्षेत्र वाइज भी चार्जशीट बनाएंगे, उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे।